हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई? पता है, कई दिनों के बाद आ रहा हूँ वीडियो को लेकर। उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। पर भैया, ओलंपिक्स तो आप लोग फॉलो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने आज की न्यूज़ तो सुनी ली होगी, जहाँ इंडिया को गोल्ड मेडल मिलने की पूरी उम्मीद थी विनीश फोगाट के रेसलिंग के मैच से, वहीं पर उनको सुबह सुबह आज डिसक्वालीफाई कर दिया गया। जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, मेरा इतना मन खराब हुआ दोस्तों, इतना मन खराब हुआ कि बस पूछिए मत। मतलब लिटरली एक बार के लिए तो दिल टूट गया मेरा, कि कहाँ हमें गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद थी और कहाँ उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। उन्होंने जो तीन प्लेयर्स को हराया, वो तीनों के तीनों मैच जो हैं वो रद्द माने जाएंगे। मतलब उन्होंने पहले राउंड में तो जिस प्लेयर को हराया था, जापान की, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, उनका तो रिकॉर्ड ऐसा था कि उन्होंने लगातार 82 मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उन्होंने, और वो एक भी मैच नहीं हारी थी। 2014-15 से वो लगातार जो हैं वो इंटरनेशनल सर्किट में जब से रेसलिंग कर रही हैं, तब से वो एक भी मैच नहीं हारी थी। विनीश फोगाट ने आखिरी के 3 सेकंड रहते हुए जो है उनको बाजी पलट दी थी और मैच हरा दिया था। अब ऐसी प्लेयर के साथ यार ऐसा होना, लिटरली मतलब इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि जो उनकी डाइटिशियन है, जो उनके कोच हैं, उनको, जो उनका मेडिकल स्टाफ है, उनको तो इमीडिएटली जो है वो बर्खास्त कर देना चाहिए। उनके साथ तो लिटरली ऐसा बिहेव करना चाहिए कि उनको उनके टिकट के पैसे भी नहीं देने चाहिए वहाँ से वापस आने के। मतलब व्हाट वर दे वर लुकिंग, वो कर क्या रहे थे? उनकी जो अपनी खुद की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, या उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जो डाइटिशियन है या जो मेडिकल स्टाफ है, वो ये कह रहे हैं जी कि इनका वज़न नॉर्मली जो है वो 56-57 किलो रहता है। इन बाउट्स में लड़ने के लिए उनको अंडर 50 वज़न करना था, तो 6-7 किलो वज़न कम करना था, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुई है। तो भैया एक बात बताओ, ये बात कल तो आपको पता नहीं चली, ये बात आपको महीनों पहले से पता थी कि उनका वज़न जो है 56-57 kg है और वो अंडर 50 कैटेगरी में लड़ रही हैं। और एक दिन पहले ही जब उनका वज़न 49.800 ग्राम्स था, तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि उनका वज़न जो है 3 फाइट लड़ने के बाद 2 किलो बढ़ गया? ऐसा आपने उनको क्या डाइट दी? अब उसके लिए आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि भैया उनकी 3-3 फाइट थी, इसलिए उनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच जो है खाना देना पड़ा, ताकि उनकी जो एनर्जी जो रिकवरी हो सके, उनकी जो एनर्जी लॉस हुई है 3-3 बाउट खेलकर, वो रिकवरी हो सके। तो भैया जितनी एनर्जी की जो लॉस हुई है उसकी रिकवरी करानी थी ना यार, आपने 2 किलो वज़न बढ़ाने वाली डाइट क्यों दे दी? आप डाइटिशियन हैं, एक आम इंसान को भी पता है कि अगर मेरी वेट कैटेगरी 50 किलो है या वो नॉर्मल अपना वज़न मेंटेन करके रखता, तो उसको पता है कि मुझे क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। आप तो डाइटिशियन हैं, आपने कैसे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि आप उनको ऐसी चीज़ें दे रही हैं जिससे कि उनका वज़न 2 किलो बढ़ गया? ये जो गलती है ना, ये बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। इसके लिए उनको लिटरली सजा देनी चाहिए, डाइटिशियन का जो उनका जो डिग्री है वो उनसे छीन लेनी चाहिए, और उन्हें वो पेरिस से जो है वापसी की टिकट भी नहीं देनी चाहिए कि अपने पैसे खर्चिए और खुद वापस आइए, और दे शुड बी डिपोर्टेड फ्रॉम पेरिस। इस तरीके का उनके साथ सलूक करना चाहिए। देश का आज एक गोल्ड मेडल या एक सिल्वर मेडल देश के हाथ से चला गया है सिर्फ उन लोगों की वजह से। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया कि मोदी जी ने साजिश करके जो है 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा बढ़वा दिया विनीश फोगाट का, क्योंकि साक्षी मलिक, विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया यही तीनों मेन रेसलर थे जो कि सरकार के खिलाफ जो है खड़े हुए थे। सरकार के खिलाफ नहीं, जो रेसलिंग फेडरेशन थी, ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण जो है उनके खिलाफ खड़े हुए थे, और वो बीजेपी के पार्टी के जो है वो एमपी थे, इस वजह से सरकार उनके साथ खड़ी हुई थी, तो ये लोग सरकार के अगेंस्ट ही खड़े हुए थे। पर भैया ऐसा नहीं है, मोदी जी कोई जादूगर नहीं है कि वो सडनली जो है वो 2 किलो वज़न बढ़वा देंगे, या उनकी जो है वो UWW जो कि इनकी एसोसिएशन है रेसलिंग, वुमेंस रेसलिंग की जो फेडरेशन है, उनके साथ साठगांठ मिलके जो है विनीश फोगाट को आउट कर देंगे। ये सब बेसलेस बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी जो मेन कंसर्न है वो ये है कि किसी तरीके से एक ना एक
अवार्ड जो है वो इंडिया को मिल जाए। हालांकि इट इज़ इम्पॉसिबल, कहीं पे भी आप ट्राई कीजिए, आप कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट आप जाइए, आप ओलंपिक कमेटी में कंप्लेंट करिए, लेकिन एक ना एक मेडल एटलीस्ट जब आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो वो आपको एक सिल्वर मेडल तो आप डिज़र्व करते ही करते हैं, इतना तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। पूरे देश से जो है ये आवाज़ उठ रही है, इवन इंटरनेशनल सर्किट से भी आवाज़ उठ रही है, और देश में तो जितने भी आपके नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं, थोड़े नॉन मतलब नॉट आमिर खान शाहरुख खान टाइप्स, बट उनसे जो नीचे हैं जैसे तापसी पन्नू है और स्वरा भास्करा वगैरह हैं, वो भी आवाज़ उठा रही हैं इसके लिए, और प्लेयर्स तो जो हैं वो आवाज़ उठा ही रहे हैं, बजरंग पुनिया भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, निखत जरीन ने भी ट्वीट किया है, और भी लोगों ने ट्वीट किया है इस सब के लिए, आप लोग भी ट्वीट करिए इस चीज़ को लेके। एटलीस्ट एक ना एक मेडल तो जो है वो डिज़र्व करती हैं विनेश फोगाट, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ लड़ी या रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ लड़ी, वो बात की बात है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है ये देश का नुकसान है, देश का नुकसान हम में से कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए आइए सब लोग मिलकर जो है वो ट्वीट करें इसके बारे में, और जहाँ भी जिसको भी जो चीज़ समझ में आती है, जो वो राय देना चाहता है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। मैं भी कोशिश करूँगा कि वो सबकी राय मिलाकर जो है मैं भी एक ट्वीट कर सकूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को भी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी, और जहाँ जहाँ भी कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, साई को, सभी जगह जो है मैं वो ट्वीट कर सकूँ। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है दोस्तों, आज के दिन जहाँ गोल्ड और सिल्वर आना चाहिए था वहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन हो गई है। बहुत अच्छी बाउट लड़ी थी विनेश फोगाट ने तीनों की तीनों, इसमें भी वो गोल्ड की दावेदार मानी जा रही थी। हार्ड लक टू इंडिया, वैसे ही इस बार बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है ओलंपिक इंडिया के लिए। पांच ऐसे जो हैं उनके प्लेयर्स रहे हैं जो कि चौथे नंबर पे जिन्होंने फिनिश किया है, चाहे वो मिक्स्ड अपनी पिस्टल की टीम हो या फिर अपनी जो है शूटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर अपनी बैडमिंटन की हो, और भी ऐसे तीन चार खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे रहे हैं जो कि चौथे नंबर पर आकर जो है रह गए। शूटिंग में तो मनु भाकर भी चौथे नंबर पर आके रह गई थी, वरना वो तीसरा ब्रॉन्ज भी ले सकती थी, एक टाइम पर वो सिल्वर मेडल भी जीतने की हकदार थी। बहुत ही बुरा जा रहा है ओलंपिक्स इंडिया के लिए, पांच मेडल जो हैं वो फोर्थ नंबर पे आने की वजह से इंडिया के रह गए हैं। बट लेट्स होप कि जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए हम लोग प्रे करें और वो अच्छे से अच्छा जो है वो खेल दिखा सकें और इंडिया को जो है और मेडल दिला सकें। अभी तक सिर्फ तीन ब्रॉन्ज आए हैं अपने, अविनाश साबले का आज रात को 1:15 बजे मैच है, उनसे उम्मीद है आज कि वो एटलीस्ट एक सिल्वर या ब्रॉन्ज तो लेकर ही आएंगे। कल जो है अपने नीरज चोपड़ा का मैच है, उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। फिर उसके बाद हॉकी का मैच भी ड्यू है, इंडिया वर्सेस स्पेन का हॉकी का मैच है, उसमें उम्मीद है इंडिया को कि इंडिया जो है ब्रॉन्ज मेडल ला सके। तो अभी भी उम्मीद है, मीराबाई चानू का आज रात को मैच है, उनसे भी उम्मीद है सिल्वर ना सही तो भी वो ब्रॉन्ज के लिए एटलीस्ट शी शुड फाइट एंड शी शुड बी गुड इफ़ शी गेट्स अ से वेट ऑफ 205 kg, अगर वो उठा लेती हैं तो शॉर्ट उनको सिल्वर मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज अगर वो 202 किलो के आसपास उठाती हैं तो ब्रॉन्ज मेडल मिलने की उम्मीद है। तो लेट्स होप कि टीम इंडिया जो है तीन मेडल जीत चुकी है, चार पाँच और मेडल जो है वो जीत सके। और भी एक दो खिलाड़ी हैं जैसे अदिति अशोक हैं, उनसे भी उम्मीद है इस बार गोल्फ में शायद वो ब्रॉन्ज मेडल ला सकें, अच्छा खेली तो सिल्वर मेडल भी ला सकती हैं। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि हम लोग जो है अच्छे से मेडल्स ला सकें, जीत सकें, 10 तक हम लोग इसकी जो है पहुंचा सकें कि इंडिया इस बार डबल फिगर तक पहुंच सके। मालूम है आप लोग ज़्यादा ओलंपिक्स देखते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं, बट ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसके बाद ओलंपिक्स में इंटरेस्ट ज़रूर लीजिएगा। 11 तारीख को ओलंपिक्स ख़त्म हो रहे हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अब जो है अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा। क्रिकेट के ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ। श्रीलंका से इंडिया जो है वो सीरीज हारने ही वाली है, बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, उसके ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।